हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या मंगवाई हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो हमारे गांव में हम लोग यहाँ पे पेड़ वेड़ तो है नहीं, तो ये मार्केट में बिक रहा था। ये छोटे छोटे से बच्चे बेचते हैं वो लगा कर इतना इतना कागज में रख के। तो मुझे ना ये मुझे ये सब चीजें देखकर ना बहुत ज्यादा लालच आता है। ये हो गया इमली, बेर, वो खट्टी वाली बेर, तो कमरक बेर, इमली, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं मिलती है, लेकिन हाँ ये शहतूत मिलता है। तो मैंने अभी मैंगो मंगवाया था अंशु से, क्योंकि आज मार्केट मैं नहीं गई, जाने वाली थी लेकिन मेरा मूड नहीं किया जाने का, तो मैं नहीं गई। तो इसको यहाँ पे मैं बच्चे से ढोल रही हूँ, और ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, मैं बता नहीं सकती। इसको हम लोग प्लेट में निकालेंगे, और इसमें काला नमक, चाट मसाला, खट्टी नहीं है, लेकिन जितना खट्टा होना चाहिए उतना खट्टा लग नहीं रहा है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर मैं कपड़े तय मारती हूँ, क्योंकि कपड़े भी तय मारने हैं। फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर के बाद। हाय फ्रेंड, तो अभी मैं मार्केट से आई हूँ जस्ट अभी तुरंत कपड़े चेंज करके गई थी मार्केट, पैर भी धोई हुई, क्योंकि मुझे दिया जलाना था मंदिर में। वैसे जाती नहीं मंदिर मार्केट, क्योंकि प्याज और शहतूत तो अंशु से मंगा ही लिया था मैंने, और मुझे कुछ ही चीज़ की जरूरत भी नहीं थी इतनी। लेकिन मैं इसलिए गई क्योंकि अरे गेट खोलो भाई, गर्मी लग रही है। नहीं छोड़ दो, बंद कर दो, पंखा चला देती हूँ, मच्छर आएगा। तो मैं इसलिए गई थी, क्योंकि बता रही हूँ मंदिर में दिया जलाना था, मंगलवार था, तो काफी टाइम से मैं मंगलवार को दिया नहीं जलाती, जाती थी मंदिर जलाने के लिए, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था जाना। छोड़ किस लिए दी थी, सर्दी आ गई थी इसलिए। तो ये मैं लाई एक बंद गोभी, तो ये मेरे होली का भी काम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज में रख दूंगी ना तो खराब तो होगा नहीं। और भिंडी लाई हूँ मैं एक पाव भुजिया के लिए, और आधी किलो खीरा, और ये अंशु ये तो बेकार वाला खीरा खा के लिया यार। नहीं बेटा मंदी हो गई, फ्रिज में रखना बेटा, बंद गोभी को फ्रिज में रखो। ये है आधी किलो बैंगन, क्या अंशु 5 रुपए है मार्केट में। नीचे वाले सब्जी की टोकरी में से ना एक बैगन होगा, निकालना जरा एक एक, हाँ एक ही निकालना, चोखा बनाऊंगी उसका, एक या दो निकाल दो, पापा भी खा लेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि मैं बना चोखा और टमाटर भी एक 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 दो निकाल दो, एक ही हाँ, यहाँ इसको भी रख देना बैंगन, इधर खीरा वगैरह है। तो आज भी बनाऊंगी, क्योंकि दाल चावल मेरा सुबह का है पड़ा हुआ, तो मेरा अंशु का हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आज दिन में चावल नहीं खाए नहीं ना, है ना अंशु, हम लोग चावल नहीं खाए ना दिन में आज, हम लोग तो वो मुझे चावल खाना नहीं खाया। तो इस बैगन का मैं बना रही हूँ चोखा, उसको पकने के लिए रख देती हूँ। और ये बैगन हम तो इसको ऐसे करें तो मेरा खोखले लगता है। और अब भुजिया नहीं बनाऊंगी, अगर बैगन का चोखा बना दी तो बैगन का चोखा, रोटी, आलू का चोखा भी है तो खा लें। हाँ खा लेंगे शायद, खा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं।